एक शख्स किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है लेकिन उसके मतलब काम ऐसे है कि उससे एकदम मतलब बजदन हो जा रहा, तो उससे बचने के लिए क्या करना, कुछ टिप्स बताइए। भाई ने एक सवाल किया कि अल्लाह के लिए किसी की मदद करते हैं लेकिन वो आदमी की बुराइयों की वजह से इंसान बच जाने या उसकी कुछ हरकतों की वजह से इंसान बच जाने। देखिए, अल्लाह के लिए मदद करने में जब बात आती है तो आप मदद कर दे अल्लाह के लिए, हाँ उस काम में मदद ना करें जो मासियत और गुनाह का करता है। अगर वो जैसा मिसाल दो शराबी है और बोलता है शराब के लिए पैसे दो तो यहाँ तो मदद नहीं करेंगे, लेकिन शराबी के बच्चे जो भूखे हैं उनकी तो मदद कर सकते हैं आप, हालांकि उसकी शराबी की शराब से आप परेशान हैं क्योंकि वो शराबी, उसकी हरकत आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके बच्चों के लिए आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ऐसा आदमी जिसके किसी मासियत और गुनाह से आप बदजन हैं उसकी उस काम में तो मदद करते रहिए आप, जो काम में आप कर सकते हैं, बाकी रहा दूसरे कामों में जो उसकी शराब की वजह से, उसकी बुराई की वजह से या किसी और अमल से आ रही मासियत, वो काम में आप उसका ज़र्रा बराबर भी ताउन ना करें, उससे हटकर दीगर चीज़ों में आप उसका ताउन और उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बीमार पड़ जाए, लगता है इलाज कराने के बाद उसकी ज़िंदगी सुधर सकती है तो इलाज भी कराएं, हालांकि आप बदजन हैं उसके अमल से, लेकिन हो सकता है फिर अपनी ज़िंदगी को सुधार ले अगर इस नीयत से करे तो इंशाल्लाह इसका भी आपको अजर मिलेगा। और जब अल्लाह के लिए मोहब्बत की थी तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें शामिल थी कि वो आपसे मोहब्बत करे ना करे, आप उससे मोहब्बत करते रहे, खैरख्वाही करते रहे, लेकिन गुनाह और मासियत में साथ ना दें, उसके अलावा आप इंशाल्लाह उसका साथ दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।